बरगी थाना अंतर्गत ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट पर कच्ची शराब बनाई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर 1500 किलो महुआ जब्त किया है एवं 35 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है, लेकिन शराब बनाने वाले पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। कच्ची शराब बनाने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं और अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नर्मदा तट पर भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाई जा रही है। बरगी के ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट पर कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली तो आबकारी पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की। इस दौरान करीब 1500 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया और 35 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, लेकिन आबकारी टीम की आपाकर आरोपी फरार हो गए, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। आज सुबह बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट के किनारे जो है तो दबिश दी गई, जहां पर महुआ लाहन से भरे हुए डब्बे और ड्रम जमीन के अंदर गड़े हुए एवं प्लास्टिक की पन्नियों में भरा हुआ महुआ लाहन लगभग 1500 किलोग्राम और 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसमें से एक चढ़ी भट्टी भी नर्मदा तट पर पाई गई जिसे तोड़ करके नष्ट किया गया है। चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनमें एक ही आरोपी के विरुद्ध अभी केस दर्ज हो पाया है, बाकी तीन का जो है तो पतासाजी की जा रही है। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।